दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी तक तो सर्दियाँ चल रहा है, लेकिन फेब्रुआरी से हम लोगों को समर गार्डन का तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड उसमें से एक है कि समर के जो सीजनल प्लांट्स है उनका सीडलिंग करना। हालांकि मुझे कोचिया एंड जिनिया को छोड़ के समर सीजनल उतना लगाने का पहले तो शौक नहीं था और मैं उतना नहीं लगाती थी, तो इस बार मैंने सोचा है कि कुछ समर के सीड्स में मंगाऊँ। तो मुझे ज़्यादा स्पेंड करने का मन नहीं था, तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ भी नहीं था और समर सीजनल बहुत ज़्यादा लाइक विंटर में हम लोग जितने इंटरेस्टेड होते हैं, समर में क्या होता है वही बहुत ज़्यादा बरसात वगैरह हम लोग के यहाँ होता है। तो इस बार मैं थोड़ा देखूँगी, थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच लेके। तो मैंने अमेज़न से ये कुछ सीड मंगाए हैं और देखिए मैंने अभी खोला है। सीड के साथ दूसरा एक सामान भी मैंने मंगाया है, वो भी दिखाऊँगी। तो मुझे 25 वेराइटीज़ के सीड 249 में मिले हैं, ऐसे आए हैं। तो मुझे एकदम पता नहीं है फ्रेंड्स कि इसका जर्मिनेशन रेट कैसा होगा या क्या होगा, तो मैं आप लोगों के साथ पूरा जर्नी शेयर करूँगी लगाने से लेके सीडलिंग होना तक, तो क्या कैसे चलता है। आज सिर्फ ये अनबॉक्सिंग मैंने किया है, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये 25 पैकेट्स है इसमें, तो एक एक करके मैं सारा ही दिखाऊंगी। ये जीनी आपके सामने आ रहा है, पैकिंग तो अच्छा था एंड मुझे सीड्स के क्वांटिटीज़ भी काफ़ी अच्छे लगे। ये देखिए जीनिया भी काफ़ी क्वांटिटी में है। एंड बाकी जर्मिनेशन कैसा होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वो कितना होता है वो हम लोग जब लगाएंगे उसके बाद धीरे धीरे पता चलेगा। तो आपको भी मैं उसी के साथ अपडेट करती रहूँगी। लेकिन वही कुछ कुछ जगह बहुत मैंने सीड्स सीजनल के सीड्स बहुत एक्सपेंसिव देखे हैं और मुझे समर में उतना स्पेंड करने का मन नहीं होता है। विंटर सीड्स में मैं स्पेंड कर सकती हूँ, तो मैं एक एक करके निकाल के देख रही हूँ। ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी है, 25 सीड्स का ये कॉम्बो था, इसीलिए यू नो सब एक ही साथ एक कॉम्बो सेट में था। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ यू नो मैं ऐड नहीं कर सकती थी कुछ, ये 25 कॉम्बो में एक साथ ये सारे आते थे। ये सनफ्लावर टॉल, फिर सनफ्लावर डुअर भी है, और ये देखिए काफ़ी अच्छे क्वांटिटीज़ में है। मैं अभी हम लोग का यहाँ सर्दी अभी फिर से थोड़ा आज थोड़ा ठंडा है, तो मैं फेब्रुअरी फर्स्ट वीक में इन सीड्स को लगाऊंगी, क्योंकि अभी लगाने से जर्मिनेशन नहीं होगा क्योंकि सर्दी काफ़ी है। तो इसलिए फेब्रुअरी फर्स्ट वीक में मैं जब लगाऊंगी तब आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी वो वीडियो। नहीं तो अगर जनवरी एंड में भी अगर हम लोग का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाए तब भी लगा सकती हूँ। सीडलिंग आप समर का जब करेंगे वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, आप लोग के वहाँ कैसा टेम्परेचर चल रहा है उसके ऊपर। हम लोग के यहाँ बीच में तो एकदम सर्दी चला गया था, अभी फिर से काफ़ी सर्दी है पिछले 7-8 दिन से, तो आज भी काफ़ी ठंडा है मौसम। तो ऐसे मौसम में अगर हम लोग समर के सीड्स लगाते हैं तो वो नहीं चलेगा। तो अब समर के सीडलिंग्स अपने मौसम के हिसाब से ही कीजिएगा, लेकिन हाँ अभी आप मंगा सकते हैं, मंगा के रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन वगैरह मंगाते हैं, मैंने ऑनलाइन इसीलिए मंगाया क्योंकि मेरे यहाँ लोकली मिल नहीं रहा था। विंटर के सीड्स आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन समर के सीड्स इधर मिलते नहीं हैं वैराइटीज़ में, सिर्फ कोचिया मिलेंगे, जीनिया ही मिलेंगे ज़्यादा, नहीं तो आपको टाइम पे नहीं मिलते हैं मेरे यहाँ, इसीलिए मुझे ऑनलाइन ये मंगाना पड़ा। मैंने ये ऑलमोस्ट गैम्बल जैसा किया है क्योंकि मुझे आइडिया अभी भी नहीं है जर्मिनेशन वगैरह के लिए। तो ये देखिए सारा मैंने खोल लिया है, अभी मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो इतने सारे सीड्स वेराइटीज़ देख के मुझे अच्छा लगा। ये देखिए ये बालसम है, गुल मेहंदी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो और क्वांटिटी देखिए अच्छे क्वांटिटी में है। बालसम अच्छा लगता है एंड काफ़ी यू नो इजी टू मेंटेन प्लांट है समर में, तो बालसम बहुत अच्छे से खिलता है पूरी धूप में। फिर पोर्चुला का सीड से ग्रो करने का मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इतना इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है, ऑलरेडी कटिंग वगैरह मेरे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी कलर के मदर प्लांट्स है ही। फिर डहलिया भी इन लोगों ने डाल दिया है, चलो कोई बात नहीं। फिर ये मैरीगोल्ड है, ये देखिए येलो मैरीगोल्ड है, ये देखिए ये कोचिया है, कोचिया बहुत सुंदर लगता है समर में एंड कोचिया बहुत एक यू नो ग्रीनरी ऐड करता है और एक यू नो आँखों को आपको ठंडक पहुंचाता है समर में, पूरा ग्रीन एक यू नो लुक देता है गार्डन को। तो कोचिया तो मैं ज़रूर लगाऊंगी।
विंका में दो वैरायटी इन लोगों ने भेजा है, एक विंका मिक्स जो सदाबहार हाइब्रिड है, ये तो बहुत मुझे बहुत पसंद है, गर्मी में बहुत ही इजी टू केयर एंड बहुत सारा फूल देने वाला प्लांट है, एंड ये विंका रेड, तो ये दो तो मैं जम के लगाऊंगी। फिर ये बेजिल दिया है इन लोगों ने क्यों दिया है पता नहीं है, लेकिन वही कॉम्बो पैक में था। फिर ये गॉम्फ्रेना में, ये अश्वगंधा है तो ये तो मेडिसिनल प्लांट है, आई थिंक कॉम्बो पैक में एक साथ सब कुछ आता है। ये गेजानिया का आप देखिए सीड्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं दूसरे सीड्स से, और अस्टी आ गई है देखने के लिए, तो गेजानिया मिक्स भी दिए हैं। और फिर ये जीनिया है, जीनिया का दो वैरायटी है, तो ये एक जीनिया है और एक लिलीपुट जो छोटा वैरायटी का है वो जीनिया है। ये देखिए ये है आपका गॉम्फ्रेना, गॉम्फ्रेना मैं नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मेरा जंगल सा बन जाता है। ये सनफ्लावर जो लंबा वाला वैरायटी है वो है ये, फिर ड्वार्फ सनफ्लावर भी है, फिर अफ्रीकन मेरीगोल्ड है देख पा रहे हैं, एस्टर प्रिंसेस है, सेलोशियास के वैरायटीज है, टिथोनिया मुझे बहुत पसंद है, टिथोनिया रेड है, ये टिथोनिया बहुत सुंदर लगता है गर्मी में, तो टिथोनिया तो मैं लगाऊंगी। ये सेलोशिया है, कॉक्सकॉम है, गैल्डिया मुझे बहुत पसंद है, ये भी बहुत सुंदर कलर ऐड करता है आपके साथ गार्डन में। ये सनफ्लावर ड्वार्फ जो मैं बोल रही थी, ये सनफ्लावर ड्वार्फ है, मॉर्निंग ग्लोरी है, ये लिलीपुजिनिया कॉस्मोस के वैरायटी सनी कॉस्मोस, तो ये सारे क्वांटिटीज तो मुझे अच्छे लगे। अभी मैं फेब्रुआरी के 1-2 तारीख को शायद जब टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा तब मैं लगाऊंगी, कोरप्सिस है तो लगा के उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लगाने के टाइम में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी उसका पॉटिंग मीडियम एक्सेट्रा, फिर कैसे कहाँ रखना पड़ेगा और कैसे हम लोग इन सबको ना टैगिंग करें कि कौन सा क्या सीड्स है क्या है, जैसे मैं करती हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके साथ मैंने ये जो मस्टर्ड केक पाउडर है ये मैंने ऑर्डर दिया था, क्योंकि आई नो फ्रेंड्स कि ये बहुत सस्ता बहुत जगह ही मिल जाता है लेकिन मेरे यहाँ मिलना उतना इजी नहीं है, कहीं तो 30 रुपीज़ से लेके 70 रुपीज़ में किलो आप लोगों के वहाँ शायद मिल जाता है, लेकिन मेरे यहाँ एकदम उतना इजी नहीं है मिलना, स्पेशली गुवाहाटी में गाँव एरिया में थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर उतना सरसों की खेती बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पर होता है लेकिन वही मुझे उतना सोर्स नहीं है इसका, तो मैंने ये सबसे इजी बात है कि ये पाउडर फॉर्म में था तो मैंने ये मंगा लिया है, 2 किलो एक एक किलो का पैकेट दो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं। इसका रिव्यू अच्छा था ऑनलाइन, मैं जनरली ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, इस बार मंगा के मैंने देखा देखती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे बोलेगा कि ये मेनली विंटर सीडलिंग समर सीडलिंग का जो हम लोगों ने अनबॉक्स किया आपको कैसा लगा, तो आशा करती हूँ इन सबसे अच्छा जर्मिनेशन ही होगा और सुंदर सुंदर प्लांट्स भी खिलेंगे समर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।